एशिया कप में तीसरा मैच मंगलवार को यानी कि आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। मुकाबला शारजा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। टॉस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। मोहम्मद नबी की कप्तानी में अफगानिस्तान सुपर चार में प्रवेश करने के लिए खेलेगी। बांग्लादेश का यह टूर्नामेंट में पहला मैच होगा, जबकि अफगानिस्तान पहले मैच में श्रीलंका को हराकर आ रही है। कप्तान नबी, बल्लेबाज गुरबाज, गेंदबाज फजल हक फारूक, राशिद खान अच्छे फॉर्म में हैं। बांग्लादेश का पुराना रिकॉर्ड बेशक अच्छा हो, लेकिन मंगलवार को होने वाली इस मैच में अफगानिस्तान का पल्ला भारी नज़र आ रहा है। अगर अफगानिस्तान मुकाबले में श्रीलंका को हरा देती है, फिर जीत बड़ी हो या छोटी, तो अफगानिस्तान टीम टूर्नामेंट के सुपर चार में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी। दोनों टीमों के साथ ग्रुप बी में श्रीलंका शामिल है और ग्रुप स्टेज का ये अफगानिस्तान अपना आखिरी मैच खेलने उतरेगी। जीत मिली तो अफगानिस्तान सुपर चार में प्रवेश कर जाएगी। सुपर चार के मुकाबले 3 सितंबर को खेले जाने हैं। बतौर कप्तान साकिबुल हसन और मोहम्मद नबी आमने सामने होंगे। शारजा में टॉस काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकते हैं। 16,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम का ग्राउंड थोड़ा छोटा है, बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अच्छा मैदान है। यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 200 से अधिक रन बनाने होंगे।